एवरीवन, गुड इवनिंग। टुडे इज डे 3 एंड अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड वी आर ऑल सेट फॉर डे 3। और आप लोगों को बताया था कि डे 3 में कुछ अलग ही प्लान है, सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोग वी आर गोइंग टू अ रिजॉर्ट जहाँ पर हम लोग आज ना स्टे करेंगे एंड कल का वापसी है। हम लोगों का बेसिकली जो डिस्टेंस है यहाँ पे एकदम पास में ही एक रिजॉर्ट बुक किया है, 70 किलोमीटर्स दिखा रहा है यहाँ से। होपफुली जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुबह सुबह निकलेंगे तो एक डेढ़ घंटा टाइम ही लगेगा, तो देखते हैं वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगता है। आए वहाँ पे बहुत सारा ना चीज़ें प्लान करके रखे हम लोग, करेंगे पूरा ऑल डे फन मस्ती पार्टी सब एक साथ। एंड सो यस, 10 मिनट का टाइम और चाहिए छोटो मासी को। पैकिंग हम लोग का पूरा कंप्लीट है, छोटो मासी का वेट चल रहा है एंड अभी नाउ वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड देन निकल जाएंगे। सो वी हैव रीच छोटो मासी प्लेस एंड सब लगेज बीच में जा रहा है अभी। बजे हम लोग निकल चुके हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने में। 70 किलोमीटर गूगल मैप पर दिखा रहे हैं मतलब वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वैसे भी 12 बजे चेक इन टाइम है, मतलब 12 बजे से पहले वैसे भी हम लोग चेक इन कर नहीं पाएंगे। हालांकि कभी कभार आधे घंटे 45 मिनट पहले भी चेक इन दे देते हैं अगर रूम जल्दी क्लियर हो जाता है तो कम वो पूरा पूरी डिपेंड करता है कि क्या सीन होने वाला है वहाँ पे जाने के बाद। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डेढ़ घंटे के ड्राइव के बाद एंड दिस इज द गार्डन एंड दैट्स द पूल जहां पर उतरने के लिए मैं बहुत ही बेचैन हो गया हूं ऑलरेडी। दिस इज द रिसेप्शन हियर हम लोग अभी बिफोर टाइम पहुंच गए हैं बहुत, यू नो इट्स 9:30। दिवानजी ने पहले नहीं कहा था कि चेक इन टाइम 12 बजे का है तो हम लोग 9:30 में आ गए हैं। अभी ढाई घंटा वेट करना पड़ेगा बिफोर वी गेट एनी रूम बिकॉज रिसेप्शन में वही कंफर्म किया है, बुकिंग कंफर्म था, सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डिटेल्स हमने दे दिया है, बिलिंग डिटेल्स एंड वगैरह वगैरह जो भी रिक्वायर्ड था तो सभी प्रोवाइड कर दिए हैं। बट नाउ वील हैव टू वेट फॉर 2.5 आवर्स, दैट्स रियली टफ जॉब एंड बट आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट इन दिस पूल राइट। बेसिकली अभी हम जहाँ पे हैं दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया ऑफ दिस रिसॉर्ट, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं
people are coming in. That's the entrance, and me and my family, we are sitting over here, and to kill time, they are doing what they love doing the most, their favorite pastime, playing Ludo. My mom and my husband both are very good Ludo players, and they have great luck in Ludo. Even my cousin sister over here is a great Ludo lover. তুই কি বেরিয়ে যাচ্ছিস কেন? No, 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 no. You have started playing. You have to play. চলো. You have to play. ঠিক আছে? And I am out because I do not like playing Ludo. I always lose. ঠিক আছে, আমার ছোটটা So yeah, that's that. কুটিটা যেটা পেকে গেছিল। ব্রেকফাস্টটা তো বেরি বড় দেখে। এই কুটিটা খেয়ে আমার চাপ পড়ে গেছে। পাঁচ। আমি অ্যাকচুয়ালি এই ভয় দিয়ে আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছিলাম যে सो हम लोगों का चेक इन हो चुका है एंड अभी गाड़ी से लगेज को उतार के हम लोग घूम पर जाएंगे. बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बाप, बहुत गर्मी है. गाड़ी को खोलना पड़ेगा. वेट करो भैया. तो यहाँ पे हम लोग अभी रूम पर जा रहे हैं और मैंने एक अम्ब्रेला का रिक्वेस्ट करके अम्ब्रेला ले लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे सन का एलर्जी है तो इसके लिए मुझे लेना ही पड़ा. बट नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग द प्रॉपर्टी. दीपांजलि का ये जो लुक है पूरा वेकेशन लुक. यस, हाय एवरीवन. सो बेसिकली हम लोगों ने दो कॉटेजेस लिए हैं एंड वी हैव नॉट टेकन इन डू. दिस इज़ द बेसिक रूम हियर एंड दो कॉटेजेस हैं हम लोग के एंड ग्लैडली वी हैव गॉट साइड बाय साइड कॉटेजेस. सो इट्स ग्रेट. C1 एंड C2. सो लेट्स एंटर C2 एंड शो यू. सो व्हेन यू एंटर इमीडिएटली यू सी दिस सीटिंग एरिया ओवर हियर. टू पीपल कैन सीट हियर. दिस इज़ आवर बेड. दिस इज़ नॉट अ किंग साइज बेड. दिस इज़ अ क्वीन साइज bed. There is a hand painting over here and all wallpapers everywhere. This is the, you know, mini bar basically. They don't and have a, here's the dresser. This is the, yeah, this is the dresser over here and there's a cupboard and we are more eager to see the washroom. This is the washroom, which is quite big. And there's the So we are heading for lunch and बहुत ज्यादा धूप है. ओ गॉड, बाप रे बाप, इट्स टू मच सनलाइट. आई कैन नॉट यू नो टेक दिस. ओ गॉड, हाँ, इट्स स्कॉचिंग हीट एक्चुअली एंड आई हैव सन एलर्जी. सो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू वॉक हियर विदाउट दिस यू नो वाइट कपड़ा. सो इग्नोर दैट. बट मेरे ख्याल से 2 बजे का टाइम दिया था लंच के लिए एंड 2 बजने ही वाले हैं. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रेस्टोरेंट एंड वहाँ पर लंच करके आने के बाद 2-2.5 घंटा आराम से रूम पे रेस्ट करेंगे. उसके बाद 4:30-5 बजे तक जब सनसेट के टाइम होगा तब जाकर हम लोग पूल पे उतरेंगे. अभी बिल्कुल नहीं उतरेंगे. पता नहीं ये सब लोग पूल पे अभी कैसे यू नो एंजॉय कर रहे हैं इतने धूप में. मेरे से तो नहीं हो पाएगा. तो यही सीन से अभी का रेस्टोरेंट में पहुँच के खाना जब आएगा आप लोगों से बात करते हैं. The food, क्या बात है. The food has arrived. Oh my God, क्या बात है, क्या बात. अभी तक थोड़ा ही आया. Yes, this is the आलू भाजी. This is rice. आलू भाजी एक टा चार एक टा देवे पड़े. This is शुक्तो. This is rice again. This is पीली दाल, मुसूरी दाल rather, बंगाली का मुसूरी दाल.
and more coming. So I'm very, very, very hungry. तो अभी हम लोगों का पूरा लंच के लिए रेडी हो चुका है. फूड इज़ हियर. जैसा कि आपने ऑलरेडी फ़ोटो में देखे होंगे कि फूड इज़ ऑलरेडी हियर. जो भी हमने ऑर्डर दिया था ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो सब आ चुका है. बट शुक्तो से स्टार्ट कर रहे हैं. शुक्तो हमें लग रहा है कि और थोड़ा सा चाहिए. वी हैव रिक्वेस्टेड, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बताया, यहाँ पर पहले से ऑर्डर देना पड़ता है. इन लोगों के पास रेडी में कुछ नहीं होता है. तो अभी देखना पड़ेगा शुक्तो और थोड़ा सा होगा कि नहीं. लंच हम लोग का ऑलमोस्ट हो चुका है. नाउ आई विल हैव सम चटनी. एंड फूड बहुत ही अच्छा था. फूड वॉज लाइट एंड वेल कुक्ड. यस, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई शिंजन अचानक से कहाँ निकल रहा है. अभी हम लोग का वाटर स्पोर्ट का टाइम है. यस, दिस इज द पूल. आने के बाद ही हम लोगों ने देखा था. मैं अभी आप लोगों को पूल ले लिया, दिखा देता हूँ. सो इट्स टाइम फॉर अस टू वाटर स्पोर्ट. Everyone, pool time is over. Pool के बाद हम लोग अभी room पर आ चुके हैं and we got freshen up and pool का बहुत ही अच्छा experience रहा है. How was your experience? It was really, really nice. I really loved it until the time he dragged me out of the pool. Yeah, but मुझे drag मुझे दीपांजलि को drag करके लाना ही था because she was एकदम pool से निकलना ही नहीं चाहता था. But 2 घंटे के ऊपर हो चुके थे हम लोग pool में थे तो अब निकलना ही था. कि सुबह को पूल का जो कंडीशन मैंने देखा था कि बहुत ही गंदा था. मैंने खुद रिसेप्शन में जाके रिक्वेस्ट भी किया था कि पूल साफ़ कराना है. तो शाम तक मैंने जब लंच टाइम से वापस आते हुए देखा तो पूल एकदम साफ था. तभी हमने डिसाइड किया कि चलो पूल साफ़ हो गया है, हम लोग उतर सकते हैं. बाय द टाइम वी वेंट टू द पूल वो एकदम क्लीन था. तो दैट वॉज़ अ रियली गुड थिंग. पूल का ही एक फाइनल प्लान था हम लोग का आज का. अभी हम लोग को टाइम पास करना है, स्नैक्स खाना है, उसके बाद डिनर, सोना, फिर कल सुबह चेकआउट करके घर वापस जाना. यही का आज का कहानी है. तो अभी फ़िलहाल कुछ स्नैक्स ऑर्डर करेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगा डिनर टाइम पर. ओके, तो अभी जैसे कि कहा था डिनर टाइम में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा. अभी फ़िलहाल डिनर टाइम हो गया है. 9:25 हो चुका है एंड हम लोग बाहर लॉन पर बैठे हैं. बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है. शाम से पूल साइड पर हम लोग बैठ के स्नैक्स वैक्स खाए हैं. बहुत अच्छा एम्बियंस था. मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. See, this is the poolside ambience. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था. यहाँ पे हम लोग बीच बेड पर, ये 2 बीच बेड पर हम लोग बैठे थे. This is our cottage and this is the poolside view. बहुत ही अच्छा लगता है. एंड उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए हैं इस कैनोपी पर जहाँ पर दीपांजलि अभी फ़िलहाल बैठे हैं. यहाँ से हम लोग डिनर पे जाएंगे. एक्चुअली मम्मी जी गए हैं थोड़ा रूम पे फ्रेशन अप होने के बाद. थोड़ा वॉशरूम से बाहर आते ही हम लोग रेस्टोरेंट चले जाएंगे. सो दीपांजलि अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठ के मोबाइल को ब्राउज कर रहा है. बेसिकली आई थिंक यू आर अपलोडिंग योर इंस्टाग्राम, राइट? सो दिस इज़ द कैनोपी. बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पर हम लोग 1 घंटे से बैठ के बहुत गपशप मारे. बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वहाँ पर रेस्टोरेंट है. मम्मी जी आते हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे. डिनर के लिए आ चुके हैं हम लोग फिलहाल रेस्टोरेंट पर. विच टेबल डू यू वांट?
This one? In the middle? Okay, this is the table where we will sit. The entire restaurant is empty, and it is empty because I guess everyone is getting their food in their respective rooms, right? No one is bothered, you know, to come here and have their food. Yeah. आप हमारे लिए दे रहे हैं? Great. तो ये वाला टेबल हम लोग का है. खाना आ रहा है हम लोगों का. ऑर्डर दिया था आज डिनर के लिए चाइनीज. यस, दिस इज चाइनीज. यस, दिस इज फ्राइड राइस, दिस इज चिली चिकन एंड दिस इज नूडल्स. एंड यहाँ पर यू कैन सी दिस Manjali having Jumpu, say hi. Say hi. Usko neend aa gaya hai. Have one spoon and share the feedback. It looks really fresh, huh? या बिकॉज ऑर्डर देने के बाद ही इन लोगों ने पका कर दिया है. वेरी हेल्दी एंड नॉट दैट मच ऑयली. राइट, ओके. एंड टेस्ट द चिकन. सो नाउ मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है खाने के लिए बिकॉज बाजी ने फीडबैक शेयर कर लिया है. सो नाउ दैट इज दैट आई एम कन्फर्म दैट इट इज़ वेरी टेस्टी. आई विल हैव माई डिनर. सो डिनर के बाद आप लोगों से मिलते हैं. सो डिनर इज डन. सब लोग निकल रहे हैं. खाना बहुत ही अच्छा था, फ्रेश था जैसे हमने सोचा था. सो आज रात के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, कल सुबह मिलते हैं. सभी को गुड नाइट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है डे 4 एंड इट्स चेकआउट टाइम. अभी नींद से उठे हैं, 15 मिनट हुआ है. सबको रेडी होने का वेट कर रहा हूँ. सब रेडी हो जाएगा तब एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगा. एंड दीपांजलि का पैकिंग चालू है पीछे में. तो दीपांजलि पैकिंग में ही बिजी है एंड दीपांजलि का हमेशा टेंशन रहता है कि होटल में कुछ भी ना छूटे. तो वो वहाँ पर पूरा इंटेंस पैकिंग मोड में चला गया है. एंड सभी का वेट कर रहा हूँ मैं फ्रेशन अप होने का. होने के बाद ब्रेकफास्ट पर जाऊँगा एंड देन विल हेड बैक होम. वी केम फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट्स ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं. मिल्क कॉर्नफ्लेक्स, पोहा एंड राज कचौड़ी, ऐसा ही दो तीन आइटम है. बाकी जैसा कि कल भी कहा था ज़्यादा आइटम्स नहीं है. एंड फ्रेश फ्रूट्स. इफ़ यू वांट टू ऑर्डर ऑमलेट दे विल प्रोवाइड. इफ़ यू वांट बॉइल्ड एग्स दे विल प्रोवाइड बट दे विल टेक 15 मिनट्स फॉर दैट. अभी बज रहा है 9:24 एंड सैड पार्ट उन लोगों को ब्रेकफास्ट करके निकलना पड़ेगा. So our trip comes to an end and finally Dipanjali ka birthday celebration abhi yahi pe khatam hone ja raha hai. So how was your experience? It was one of my best birthdays in my entire life. This is the best birthday I've ever had, I think. And I've also said in the video of my day 1 as well ki hamesha birthday mein kuch na kuch hota tha, exam dena padta tha. Matlab it was never this fulfilling feeling I never
never got from my birthday, but this time it was I feel fulfilled. I had spent a good amount of time with my in-laws. I've spent good amount of time with my friends. I went to Rubaida's place. I've spent very good amount of time with you know, my mother and Masi as well. And throughout this 3 to 4 days, he was with me all the time by my side. I'm very happy. So all in all, I'm very happy too, because Deepanjali is happy. And आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. देवांजलि का बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है. इट वॉज डे 4 चेकआउट टाइम फ्रॉम आवर होटल. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली हमारे घर जाएंगे, मम्मी जी को ड्रॉप करेंगे उनके घर. उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारे घर जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड शाम से बैक टू वर्क. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग. बहुत जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Till then, take care, stay good, Godspeed. God bless everyone. Bye, everyone.